एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रौनक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक डिफरेंट टेस्ट वाली बैंगन की सब्जी, इसे आप बैंगन फ्राई भी कह सकते हैं। तो आप इस रेसिपी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंगन की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ मसालों को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक पैन को गर्म कर लेना है। पैन हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हमें यहाँ पे डालना है ये एक चम्मच जीरा। उसके बाद हम यहाँ पे ये एक चम्मच सौंफ मिलाएंगे। अब हमें जीरा और सौंफ को 2 मिनट के आसपास तक धीमी आंच पे भून लेना है, लेकिन हम यहाँ पे मसालों को बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो मसाले हमारे भून चुके हैं, अब हमें यहाँ पे मिलाना है ये आधा चम्मच काली सरसों। अब हम इस काली सरसों को भी जीरा और सौंफ के साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए इसे हम थोड़ा देर लगभग 30 सेकेंड के आसपास तक भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी खड़े मसालों को अच्छे से भून लिया है, मसाले से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इन मसालों को थोड़ी देर ठंडा करके इसे हम थोड़ा दरदरा कूट लेंगे। बैंगन की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेने हैं बैंगन। मैंने यहाँ पे ये लगभग 200 ग्राम के आसपास बैंगन लिए हैं। और बैंगन की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन को साफ पानी से धो लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे बैंगन को सुखा लेना है, या फिर आप किसी साफ कपड़े से बैंगन को पोंछ सकते हैं। बैंगन में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब हमें यहाँ पे बैंगन को काटना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक बैंगन लेना है। और बैंगन को हम सबसे पहले इस तरीके से थोड़ा सा बीच से कट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे बैंगन में इस तरीके से चीरा लगा के इसको काट लेना है। तो हम यहाँ पे एक बैंगन को 4 टुकड़ों में काटने वाले हैं, आप चाहें तो 2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक एक करके सभी बैंगन को काट लेंगे। उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, और पैन में हम 1 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम यहाँ पे मिलाएंगे 2 चुटकी हींग। फिर मैं यहाँ पे मिलाना है 1 छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। उसके बाद मैं यहाँ पे मिलानी है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हमें यहाँ पे प्याज को भूनना है, तो प्याज को हम पहले मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करते हुए प्याज को हमें यहाँ पे लगभग 2 मिनट के आसपास तक, जब तक कि प्याज हमारा हल्का सा सेमी कुक नहीं होता, इसे हम पका लेंगे। तो प्याज हमारा हल्का सा भुन चुका है, अब हमें यहाँ पे मिला रहे हैं दरदरे कुटे हुए मसाले। अब हम इन मसालों को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए मसालों को लगभग 30 से 40 सेकंड के आसपास तक भून लेंगे। तो मसाले भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, अब हमें यहाँ पे मिलाना है बैंगन। अब हम इस बैंगन को प्याज के साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए बैंगन को हमें यहाँ पे फ्राई करना है। बैंगन को हम यहाँ पे 4 से 5 मिनट के आसपास तक फ्राई कर लेंगे, ताकि जो बैंगन है वो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से पक के तैयार हो। बैंगन की सब्जी बनाते समय एक बात का ध्यान जरूर दें, बैंगन को पहले से काट के नहीं रखें, नहीं तो जो बैंगन का कलर है वो काला पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे बैंगन को लगभग 4 से 5 मिनट के आसपास तक भून लिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे, और कवर करके इसे हम धीमी आँच पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। लगभग 2 मिनट पकाने के बाद हमें इसका कवर हटा लेना है, और कवर हटाने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारी सब्जी है लगभग बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे मिलाने हैं मसाले। सबसे पहले मिलाया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिलाया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च को आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे ये 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मिलाने से इसमें थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आएगा। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। अब हम इन सारे मसालों को बैंगन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे, और कवर करके हम मसालों को ढक के 2 मिनट के आसपास तक धीमी आंच पर और पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बैंगन की सब्जी को ढक के 2 मिनट के आसपास तक धीमी आंच पर और पका लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारी बैंगन की सब्जी है परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। इसके मसाले अच्छे से पके हैं, बिल्कुल भी जले नहीं है। बैंगन हमारा अच्छे से पक के तैयार हो चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से आसानी से इस बैंगन की सब्जी को घर पर बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आपको मेरा बैंगन की सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।